अपने शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ठीक से उर्दू अल्फाजों का उच्चारण नहीं कर पा रहे थे, जिसके लिए उनकी सोशल मीडिया पर काफी आलोचना भी हुई। पाकिस्तान के कई लोगों ने सोशल मीडिया पर इमरान खान की जमकर खिंचाई की। एक पत्रकार ने तो ये भी कहा कि उन्हें लगा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का शपथ पत्र बदल तो नहीं गया, लेकिन बावजूद इसके शपथ ग्रहण समारोह पूरा किया गया। आपको बता दें कि समारोह में जब राष्ट्रपति ममनून हुसैन ने रोजे कयामत यानी फैसले का दिन कहा, तो इमरान ने इसे ठीक से नहीं सुना और इसका गलत उच्चारण कर दिया। इमरान ने कहा रोजे कियादत यानी नेतृत्व का दिन। इस घटना ने पूरे वाक्य का अर्थ बदल कर रख दिया। बहसियत खातिमुन नबीयीन, बहसियत खातिमे खातिमुन नबीयीन, खातिमुन नबी नबीयीन, रोजे कयामत रोजे कियादत। पाकिस्तान राष्ट्रपति ने जब शब्द दोहराया तो खान को अपनी गलती का एहसास हुआ और मुस्कुराते हुए उन्होंने सॉरी कहा और शपथ को जारी रखा। रोजे कयामत रोजे कयामत। अब सवाल ये उठता है कि जब पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा उर्दू है और पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है, तो ऐसे में अगर देश का प्रधान उर्दू के उच्चारण में ही लड़खड़ाएगा तो वो उन सरकारी दस्तावेजों की भावनाओं को कैसे समझेगा जो उर्दू में लिखी होती हैं? क्योंकि ट्रांसलेशन वाक्यों को समझने का जरिया जरूर हो सकता है, लेकिन ट्रांसलेशन से भावनाओं तक पहुंचना नामुमकिन होता है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अपने शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ठीक से उर्दू अल्फाजों का उच्चारण नहीं कर पा रहे थे, जिसके लिए उनकी सोशल मीडिया पर काफी आलोचना भी हुई। पाकिस्तान के कई लोगों ने सोशल मीडिया पर इमरान खान की जमकर खिंचाई की। एक पत्रकार ने तो ये भी कहा कि उन्हें लगा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का शपथ पत्र बदल तो नहीं गया, लेकिन बावजूद इसके शपथ ग्रहण समारोह पूरा किया गया। आपको बता दें कि समारोह में जब राष्ट्रपति ममनून हुसैन ने रोजे कयामत यानी फैसले का दिन कहा, तो इमरान ने इसे ठीक से नहीं सुना और इसका गलत उच्चारण कर दिया। इमरान ने कहा रोजे कियादत यानी नेतृत्व का दिन। इस घटना ने पूरे वाक्य का अर्थ बदल कर रख दिया। बहसियत खातिमुन नबीयीन, बहसियत खातिमे खातिमुन नबीयीन, खातिमुन नबी नबीयीन, रोजे कयामत रोजे कियादत। पाकिस्तान राष्ट्रपति ने जब शब्द दोहराया तो खान को अपनी गलती का एहसास हुआ और मुस्कुराते हुए उन्होंने सॉरी कहा और शपथ को जारी रखा। रोजे कयामत सॉरी रोजे कयामत। अब सवाल ये उठता है कि जब पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा उर्दू है और पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है, तो ऐसे में अगर देश का प्रधान उर्दू के उच्चारण में ही लड़खड़ाएगा तो वो उन सरकारी दस्तावेजों की भावनाओं को कैसे समझेगा जो उर्दू में लिखी होती हैं? क्योंकि ट्रांसलेशन वाक्यों को समझने का जरिया जरूर हो सकता है, लेकिन ट्रांसलेशन से भावनाओं तक पहुंचना नामुमकिन होता है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।